गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ओपी शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, रियल लाइफ कोच, आपके साथ रिलेशन या रिश्ता, जो एक बहुत ही छोटा सा शब्द है पर इसकी हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है, हमारी लाइफ में हम कितने खुश रह सकते हैं, ये इस पे डिपेंड करेगा कि हम हमारे रिश्ते अलग अलग जगह पे कितने सफल हैं। अगर हम रिश्ते बनाने में सफल हैं तो हमारी जो लाइफ है वो भी उतनी ही ज़्यादा खुश होगी या हम सुखी होंगे। अब हम ये देखेंगे कि ये जो रिश्ते कितने प्यारे शब्दों में साउंड होते हैं, इनकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और इनको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। रिश्ते मेन हम कह सकते हैं फैमिली के रिश्ते, आंट गुआंढ के रिश्ते, स्कूल के रिश्ते, सोसाइटी के रिश्ते, देश के साथ रिश्ता और उस जो मेन है वो उस परमात्मा के साथ हमारा रिश्ता। अब मान लीजिए हम फैमिली में रिश्ते मेंटेन करते हैं और हम पर चांस किसी कारणवश हमारे रिश्ते सफल नहीं होते, कामयाब नहीं होते, जैसे बाप और बेटे का रिश्ता, बाप और बेटी का रिश्ता, हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता, ब्रदर्स में आपस में रिश्ते, बहनों बहनों में रिश्ते, हर तरह के रिश्ते जो बहुत ज़रूरी हैं। अगर उनमें आपस में प्यार ना हो, आपस में लगाव ना हो, तो लाइफ उस फैमिली की, उस फैमिली का एटमॉस्फेयर ऐसा होगा जो कि किसी को भी अच्छा नहीं लगे। उस फैमिली को अब हम कहते हैं कि स्वर्ग और नरक यहीं पर है, इसमें दो राय नहीं है। अगर तो हमारे रिश्ते प्यार भरे रिश्ते हैं, बाप बेटे का कहना मानता है, बेटा जो है जब जैसी भी उसको कहा जाता है उसके अनुसार वो उसे मानता है और उसे पूरा करता है, अगर ज़रूरत है, अगर वो फाइनेंशियली बाप साउंड नहीं है तो पिता अगर अपनी तो बेटा अपनी कमाई से अगर बाप की सेवा करता है तो इससे अच्छा पुण्य नहीं है। इसी तरह से सिस्टर में रिश्ते, इसी तरह से बहन भाई का रिश्ता, इसी तरह से देवर जेठानी का रिश्ता, इसी तरह से हर तरह के फैमिली के रिश्ते जो हैं वो उनकी अकाउंटेबिलिटी है, उनका फ़ायदा है। अगर वो अच्छे हैं तो लाइफ बहुत ही सुख में गुजर सकती है। अगर एक भाई या दो भाई सेटल हैं और एक भाई सेटल नहीं भी है तो वो जो उसके बच्चे हैं उनकी पढ़ाई, उनकी हेल्प हर तरह से करते हैं। ऐसी कंडीशन में दोनों को फ़ायदा होता है। जिस भाई के पास नहीं है
वो भी खुश होता है और जो देते हैं वो भी खुश होते हैं। पर आज के दिन में ये बात मिलती तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में जितनी के ये पहले हुआ करती थी। जैसे जैसे लोगों में पैसे का की अधिकता होती गई वैसे वैसे प्यार में कमी आती गई। इसके अलावा पैसे के अलावा जो है फैमिली मेंबर में टॉलरेशन पावर जो है वो भी दिनों दिन कम होती गई। इस कारण ही ये रिश्ते जो हैं इतने सक्सेसफुल नहीं हैं। हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। एक दोनों एक दरानी थी एक जेठानी थी, दोनों का आपस में बहुत प्यार था। जो जेठानी थी वो छोटी अपनी दरानी का बहुत ही ख्याल रखती थी, उसके हर मामले में जाकर खड़ी हो जाती थी। किसी तरह की हेल्प की जरूरत होती थी तो वो हेल्प कर देती थी। हुआ क्या, एक दिन किसी कारण बच्चों के कारण उनमें आपस में कहा सुनी हो गई और कहा सुनी होने के बाद उन्होंने एक दूसरे को यहां तक कह दिया कि मैं आपकी शक्ल तक जिंदगी में नहीं देखूंगी। समय बीता, समय बीतने के बाद क्या हुआ कि जो देवरानी थी वो काफी समझदार थी। उसने सोचा कि ये जो मेरी जेठानी है मेरे बच्चों का भी ख्याल रखती है, जब मैं ना हूं तो उसके लिए खाना भी तैयार करती है, मेरी भी कोई बात नहीं टालती, मेरी भी हर्ष में मदद करती है। मैंने क्या कर दिया, मैंने तो गलत कर दिया, ये मेरे को नहीं करना चाहिए था। अब क्या हुआ, उसने जैसे ही वो जेठानी सोने लगी उसने जाके दरवाजा खड़खड़ा दिया और कहा दरवाजा खोलो। उसने पूछा कौन है, मैं हूँ, आप कौन है, आप जाओ, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। उसने कहा आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई है, आप मुझे अंदर आने दीजिए, मैं नहीं आने दूंगी। देखो ऐसे है, मैं चाय का कप भी बना कर लाई हूँ, थोड़ा खाने के लिए भी लेकर आई हूँ, सब ठंडा हो जाएगा, आप खोल दरवाज़ा खोल दो। उसने उसके कहने पे दरवाज़ा खोल दिया तो वो चाय वगैरह खाने का जो टेबल पे रख दिया, साथ ही उसने माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। कहा कि मेरे से बहुत ज़्यादा गलती हो गई है तो इसलिए मुझे आप माफ़ कर दो, क्योंकि मेरी मदर जो वो कहा करती थी कि जो आपकी हर तरह से कि आपका ख्याल रखता है, हर की ज़रूरत का ख्याल रखता है, हर तरह से अच्छा करता है, उसके साथ कभी भी बिगाड़नी नहीं चाहिए, मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर। अब तब तक जेठानी का गुस्सा भी कम हो गया था। उसने कहा गलती मेरी भी थी, अगर तू गुस्से में बोल रही थी तो कम से कम मुझे भी गुस्से में नहीं बोलना चाहिए था, मुझे भी ये ख्याल रखना चाहिए था कि आप मेरी छोटी हैं, अगर आपने कुछ मुझे बोल भी दिया तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। दोनों ने आपने गले मिला, गले मिल के थोड़े से आंखों से आंसू टपका के और बड़े प्यार से एक दूसरे से माफ़ी मांगी। अब देखो रिजल्ट क्या हुआ, टॉलरेशन के कारण
अच्छी सोच के कारण, सुबुद्धि के कारण उन्होंने एक घर का ऐसा माहौल बनता हुआ जो शायद द्वारा ठीक ना ही होता, उन्होंने दोबारा अपने सोच समझ से, प्यार से उसको ठीक कर लिया। अब देखो वही परिवार है, अगर उस परिवार में एक दूसरे से जेलसी है, खींचातानी है, एक दूसरे को देख के खुश नहीं है, एक बच्चे दूसरे बच्चों को देखकर, उनकी प्रोग्रेस को देखकर खुश नहीं है, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा? इस कंडीशन में भी उस परिवार में रहने का मजा नहीं आएगा। सो यहां से हमने ये सीखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी समय किसी के साथ गर्मी सर्दी हो जाती है, लेकिन गर्मी सर्दी का ये मतलब नहीं है कि हमने हमेशा के लिए बिगाड़ के बैठ जाना है या स्वयं बिगाड़ लेने हैं। हमने देखना है अगर किसी से गुस्सा आ भी गया है, साथ में दोबारा फिर देखना है कि मैं क्या कर रही हूं। ये परिवार के संबंध हैं। इसी तरह से हम देखो हमारे, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, उनके साथ भी हमारे स्वंद, हमारे टीचर्स के साथ स्वंद बन जाते हैं। अगर हम टीचर के साथ प्यार से रहते हैं, अगर हमसे गलती हो जाती है तो हम माफ़ी मांग लेते हैं, या टीचर हमें कह देता है तो उसको सुनकर हम टॉलरेट कर लेते हैं, तो उसका रिजल्ट हमारा अच्छा रिजल्ट आता है। इसके अलावा अगर हम फैमिली में देखें, फैमिली के अलावा अगर हम अपने नज़दीक में जो रह रहे हैं, जो हमारे आसपास रह रहे हैं, उनके साथ हमारे रिश्तेदारों से ज़्यादा वो हमारे नज़दीक होते हैं। अगर हम उनके जाके उनके साथ प्यार से रहते हैं, उनके अच्छे बुरे समय में उनका साथ देते हैं, और कभी गलती हो भी जाती है तो माफ़ी मांग लेते हैं। देखो माफ़ी या सॉरी एक ऐसा लफ्ज है जो हमारे बिगड़ते हालात को भी सुधार सकता है। अगर हम टीचर से ऐसे बर्ताव करते हैं तो हमारा इसमें अच्छा ही अच्छा होने वाला है। इसके अलावा जो हमारे कज़न हैं, हम कहते हैं हमारे कज़न हैं, अरे कज़न भी देखो जब भी हमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, जितने हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, जितना हमारा आपस में प्यार होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे देश के साथ रिलेशन है, देश के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम मिलिट्री मैन ही बने या दूसरे की सबॉर्डिनेट सर्विसेज में ही जाएं। अगर हम बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जिम्मेवारी जो बनती है वो ये बनती है कि हम अपने टैक्सेस पूरे दें, किसी तरह की चीटिंग हम ना करें। अगर किसी तरह की चीटिंग हम करते हैं, किसी तरह के हम प्रॉब्लम नहीं करते, तो हम अपने देश से प्यार नहीं करते। इसके अलावा हर एक चीज़ प्यार के काबिल है, दुनिया की हर चीज़ प्यार के काबिल है, हमें उससे प्यार करना चाहिए। अब हम देखते हैं जो मौजूदा समय है, ये रिश्ते नातों के लिए इतना फेवर नहीं करता। किसी के पास समय ही नहीं है कि किसी के लिए समय दे, कोई किसी के लिए अपने फैमिली मेंबर हो या दूसरा हो या तीसरा हो उसके लिए
अपनी हार्ड अर्न मनी दे, पर ऐसी बात नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से परिवार ऐसे हैं, आज भी हैं, जो सैक्रिफाइस करते हैं। मुबारक है वो परिवार जो सैक्रिफाई करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, जब भी कुछ में ऐसा आ जाए तो उसके उसको सपोर्ट करते हैं। अब हमने क्या देखना है कि पैसों के कारण, नेचर के कारण या किसी और चीज के कारण हम रिलेशन जो हैं वो अच्छे नहीं रख सकते, कारण कोई भी हो, या दूसरे हमारे साथ अच्छे रिश्ते नहीं रखने चाहते, जो सोचते हैं ये तो गरीब हैं, ये तो मांगे ही गई। तो क्या हमें पता है एक हमारा सुपर नेचुरल रिलेटिव है? आप सभी जानते हैं कि वो कौन है। वो गॉड है, अल्लाह है, वाहेगुरु है, हरिओम है, श्री कृष्णा है, जिसके साथ हमने, अगर हम किसी के कारण किसी से कंपीट नहीं कर सकते, पैसे से कंपीट नहीं कर सकते या और किसी कारण से कंपीट नहीं कर सकते, तो हमने अपने जो रिलेशन है उस कुल मालिक से अच्छे करने की कोशिश करनी है, इसमें शक नहीं है कि उस कुल मालक के साथ मिलने के लिए भी कुछ कुदरत ने कुछ कानून बनाए हुए हैं। पर अगर हमें वो तरीके या वो कानून नहीं भी प्राप्त होते, तो भी हम जैसे हमारे पापा हैं, मम्मी हैं, उनके लिए कोई स्पेसिफिक नेम की जरूरत नहीं होती है। स्पेसिफिक नेम क्या चाहिए? लव, प्यार। हम उस कुल मालिक के साथ प्यार का रिश्ता बना सकते हैं, और जब हम उस मालिक के साथ प्यार का रिश्ता बना लेंगे, तो जिस भी चीज की हमारे में उस परमात्मा से मिलने की या उस वाहेगुरु को मिलने की कोई कमी रह जाएगी, वो हमें कुल मालिक खुद दे देगा। जैसे वो तो कुल मालिक है, पिता है, परमेश्वर है, ओमनीपोटेंट है, कंपिटेंट है, जैसे हम अपने पिताजी से, अपने फादर जी से या मदर जी से अच्छे रिलेशन बनाए हुए बैठे हैं, तो वो हमारी कहने से पहले ही रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं। इसी तरह से वो कुल मालिक भी हमारे कहने से पहले ही हमारी हर तरह की रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं। अगर हमारे लिए किसी तरह की गाइडेंस की भी जरूरत होती है, तो वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं। सो हमने कोशिश करनी है कि अपने जो रिलेशंस हैं इनको इम्प्रूव करना है, कोशिश करनी है कि ज़्यादा अच्छा ना भी कर सकें तो बिगाड़ना भी नहीं है, क्योंकि जितना हमारा अच्छे ये रिलेशन होंगे इतने ही हम खुश होंगे। ये जो रिलेशंस हैं, जब भी हमारे पास हमारे लिए कोई ऐसा टाइम आएगा तो ये हमारी मदद करेंगे। जब ये मदद करेंगे, इनकी दया दृष्टि हमारी तरफ होगी, तो उस कुल मालिक की दया दृष्टि भी डेफिनेटली
हमारी तरफ होगी। परमात्मा आपकी हर तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। अगर आप बीमार हैं तो आप जल्दी से जल्दी ठीक हो और आपको बल बख्शे कि आप उस परमात्मा के साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया।